तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि इस साल मार्वल ही राज करने वाला है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो इस साल मार्वल की मूवी रिलीज होने वाली है, यानी 2021 में जो मार्वल की मूवीज होंगी, चाहे वो रियल एक्शन मूवी हो या जो एनिमेटेड मूवी हो, उनके बारे में। और साथ ही साथ जो मार्वल है वो PS4 और PS5 के ऊपर गेम्स कौन कौन सी लेके आने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोडोक की। ओके, आपको नहीं पता कि मोडोक कौन है, तो आपने इसे एवेंजर गेम में देखा होगा जो PS4 पे थी। अगर वहां पर भी नहीं देखा है तो आपने इसको आयरन मैन की एक सीरीज आती थी, एनिमेटेड सीरीज आती थी, उसके ऊपर ये आया करता था। बहुत पुरानी एक सीरीज है, तो वहां पर ये मोडोक आया करता था। अब मैं यहां पे इसकी हिस्ट्री में नहीं जाने वाला हूं कि ये कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में नहीं, बस मैं आप लोगों को रिलेट करके दिखा रहा हूं कि मोडोक को जो है वो आयरन मैन की सीरीज में दिखाया हुआ था, एनिमेटेड सीरीज में दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली ये कॉमिक्स में भी आया हुआ है काफी टाइम। तो इस तरीके से मोडोक का रिलेशन बन जाता है एवेंजर के साथ। अब दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, इनको तो कौन नहीं जानता यार, वांडा और विजन को। ऑब्वियसली डिज्नी प्लस पर आने वाली ये मूवी मार्वल की फर्स्ट मूवी होने वाली है इस साल। डिज्नी प्लस पर आई थिंक 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट से, जहां पर इन दोनों को एक इमेजिनरी लाइफ यानी कि काल्पनिक दुनिया में जीते हुए दिखाया गया। अब मुझे नहीं पता कि इस मूवी के अंदर कितना एक्शन होने वाला है या फिर इसके अंदर अवेंजर्स जो है बाकी के दिखाए जाएंगे नहीं दिखाए जाएंगे, ये तो जब मूवी रिलीज होगी तभी देखेंगे। आपको तो ये शायद पता भी होगा कि जो मूवी आने वाली है वांडा विजन की, ये इन्फिनिटी वॉर से पहले के टाइम के पीरियड की मूवी दिखाई गई है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में तो विजन है उसका तो टेंट हुआ, थैनोस ने दबा दिया था, मतलब जो उसकी माथे की जो बत्ती जो जल रही थी उसको थैनोस ने बुझा दिया था, तो ऑब्वियसली उसे पहले का टाइम पीरियड दिखाया गया। और जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो है द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर मूवी, जो ये मूवी है, ये भी डिज्नी प्लस पे आने वाली है। और इस मूवी में जैसे कि आपने एंड गेम में देखा था, जो कैप्टन अमेरिका था उसने अपनी शील्ड जो है वो फॉल्कन को दे दी थी कि भाई तू संभाल ले, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसके पास जवानी बची हुई थी, तो बाकी जो अपनी जिम्मेदारियां देके इसको चला जाता है वो बूढ़ा इंसान वहां पे। अब इसमें कौन सा नया कोई नई प्रॉब्लम आ गई है वो जब मूवी आएगी तब देखेंगे। द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो एंड गेम के बाद दिखाया गया, क्योंकि ये दोनों जो है वो एंड गेम के बाद ही साथ में आए हैं। और अब थर्ड नंबर पे जो मेरी मोस्ट अवेटेड और सबसे प्यारी सबसे दुलारी जो मूवी है वो है लोकी की। देखो यार ये वाली जो मूवी है वो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था इस मूवी का। मैं एक बात आप लोगों को सच बताऊं कि यार देखो ये वाली जो मूवी है मुझे इसे वांडा विजन या फिर द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर से काफी ज्यादा मुझे इस मूवी से प्यार है, क्योंकि यार ये जो इंसान है लोकी एक तरीके से ये किसी भी असूल को नहीं मानता, ये अपने ही नए रूल्स बनाता रहता है और तोड़ता रहता है जो इसे पसंद नहीं आते, एकदम शैतानी दिमाग का। और फिर जब इसे अच्छा लगता है कि हाँ अब थोड़ा बहुत अच्छा कर देना तो ये वहां पे अच्छा कर भी देता है, मतलब वो दक्कियन उसी सूलों में बंधा हुआ नहीं है। वैसे आप लोग अपनी पसंद भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये वाली मूवी भी जो है वो डिज्नी प्लस पे आने वाली है। अब चौथे नंबर पे आते हैं मार्वल की एक नई एडेप्टेशन मिस मार्वल के बारे में। अब देखो यार ये जो मिस मार्वल है इसकी पहले ना तो कोई एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज ना इसका रियल एक्शन मूवी आई थिंक कोई बनी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ अब तक कॉमिक्स में आई थी। कमला खान की ना एक लड़की होती है जिसके पास पावर होती है, उसकी इसमें कहानी दिखाई गई है, तो अब तक इसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं किया गया था। अब लगता है कि मार्वल ने इसे सीरियसली ये लिया है और इसके ऊपर एक मूवी लेके आ रहे हैं, और ऑब्वियसली ये भी जो है वो डिज्नी प्लस पे आने वाली है। यार ये डिज्नी प्लस वालों के पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं हो रहे। पर अब ये बेचारा होकाई, यार इस इंसान को शुक्र है जगह मिल गई, इसके नाम पे भी एक मूवी आ रही है होकाई। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि कब आएगी, इसका ट्रेलर कब आएगा, कैसा होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट हाँ अब ये कंफर्म कर दिया कि ये जो होकाई है ये भी डिज्नी प्लस पे आने वाली है। अब इनके साथ साथ एक एनिमेटेड मूवी जो है वो मार्वल रिलीज कर रहा है, व्हाट इफ, अगर कैप्टन अमेरिका आदमी ना होकर एक लड़की होता तो क्या होता। तो देखो यार इसका जवाब तो जब ये मूवी रिलीज होगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा, और ये भी डिज्नी प्लस पे आएगी। यार कसम से मुझे लगता है कि डिज्नी प्लस ने मतलब मार्वल को खरीद लिया है, सारी की सारी मूवीज अपने ही OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाए। खैर छोड़ो, अब बहुत हो गया यार इन OTT प्लेटफॉर्म का प्रमोशन। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मूवी जो आने वाली है थिएटर्स में। तो पहले नंबर पे आती है ब्लैक विडो। यार देखो इसका हिंदी में रूपांतरण यानी हिंदी में मीनिंग निकालूं तो बनता है काली विधवा। देखो काफी सेंस बनता है इसको, मतलब नाम भी काफी कैची सा लगेगा। अब ये मूवी जो है वो काफी टाइम पहले आ जाती, लेकिन थैंक्स टू चाइना, यार मैं चाइना क्यों बोल रहा हूं, कोरोना। देखो कोरोना की वजह से ये मूवी डिले पे डिले होती गई, और अब 2021 में May 1 को ये मूवी है वो थिएटर में आने वाली है। ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर एक्शन है, स्पाई है, ये जो एक मूवी है एडवेंचर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और एक्शन तो यार इसका जैसे ट्रेलर देखा था भरपूर है। फिर बात करते हैं शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी के बारे में। अब देखो इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक नाम ही सामने आया, इसके कुछ कास्ट सामने आए, इसकी डेट सामने आई, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताया गया कि हाँ
एक्चुअल में इस मूवी के ऊपर काम होना शुरू होने वाला है या फिर ये बन चुके थे। मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि इससे पहले इसका ट्रेलर दिखा दिया जाता क्योंकि बहुत जल्द ये मूवी है जिसका टाइम पीरियड आ जाएगा कि इस मूवी इस तारीख को ये रिलीज होगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर शायद अभी वर्क होगा और शायद इन्होंने मार्वल वालों ने पहले ही कह दिया कि भाई हाँ ये आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं अभी आने वाले इस वीडियो में, मैं आप लोगों को बहुत सारे नाम बताने वाला हूं जो इस साल बहुत सारी चीजों के बारे में मार्वल ने रिवील किया है। इसके बाद बात करते हैं एटर्नल्स की। ये एक कॉमिक्स, इसके नाम के एक कॉमिक्स आया करती थी, बहुत सारे उसके अंदर कैरेक्टर थे। अब देखो मुझे नहीं पता कि इस एटर्नल के नाम से क्या एक्चुअल में रियल एक्शन मूवी बनने वाली है या एनिमेटेड कोई मूवी या सीरीज बनेगी, लेकिन हाँ मार्वल इसके ऊपर वर्क कर रहा है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो इसमें अभी तक मैंने बताई नहीं वो मूवी है, एक है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस, फिर है कैप्टन मार्वल 2 और उसके बाद आती है शी हल्क। यार शी हल्क का जब मैंने यहाँ पे नाम देखा था तब, ये भी डिज्नी प्लस पे, अब इस पेज पे आप ध्यान से देखो, इस इमेज पे आप ध्यान से देखो तो जिनके नीचे डिज्नी प्लस लिखा गया है तो वो सारी सारी इस डिज्नी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। और अगर शी हल्क की बात करूं तो यार ये मैंने बहुत टाइम पहले जब एक हल्क का एनिमेटेड शो आया करता था, सीरीज आती थी, उसमें मैंने इसका थोड़ा बहुत देखा था, कंट्रीब्यूशन देखा था, लेकिन इसका मतलब कहां से उत्पत्ति हुई, कहां से ये सब आया, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया था। तो अब जो चीज है, अब शायद मार्वल इसके ऊपर वर्क करके इसको अच्छे से बताने वाले कि शी हल्क एक्चुअल में कहां से आई, अब एनिमेटेड मूवी होने वाली है या फिर एक रियल एक्शन मूवी होने वाली है, ये तो मैं कह रहा हूं कि यार टाइम आएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। और अभी ये सब चीजें खत्म नहीं हुई, अभी रुको जरा, इसके अलावा मार्वल ने जो मूवी बताई है मून नाइट, सीक्रेट इन्वेशन, आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स, द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, हॉलीडे स्पेशल, आई एम ग्रूट, थोर, लव एंड थंडर, ब्लेड, क्वांटमेनिया, ब्लैक पैंथर 2 एंड फैंटास्टिक 4। भाई साहब 11 जो इस पेज के ऊपर, आप जिस इमेज के ऊपर देख सकते हो कि 11 यहां पर इन्होंने मूवीज या एनिमे जो रियल एक्शन मूवी है या मूवी कह सकते हैं कि जो एनिमेटेड है इनके बारे में इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। अब बात करूं अगर गेम्स की जो PS4 और PS5 के ऊपर आने वाली है मार्वल की तरफ से, अभी कुछ टाइम पहले स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स की एक गेम आई थी जो काफी ज्यादा फेमस हुई थी, काफी सारे लोगों ने वो देखी थी, वो खेली भी थी, और उससे पहले एवेंजर एक गेम आ चुकी थी PS4 के ऊपर। अब इसके अलावा बहुत सारी गेम जो है वो एवेंजर प्लान कर रहा है, जैसे फ्यूचर रिवॉल्यूशन मल्टीप्लेयर गेम है जो एक 3D गेम है जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब होने वाले हैं। अब यार ये वाला जो मैंने वीडियो देखी थी इसके ऊपर यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी रियल इतनी जबरदस्त यहां पे लग रही थी। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे मूवीज मैंने बताई अभी और भी आने वाली हैं, कॉन्टेस्ट ऑफ द चैंपियंस, फ्यूचर फाइट, पजल क्विज, रिलम ऑफ चैंपियंस, स्ट्राइक फोर्स, नाम लेते लेते सांसें फूल गए, लेकिन ये मार्वल वाले हैं वो थकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। यार इतनी सारी मूवीज और गेम्स ये इस साल रिलीज करने वाले हैं, या फिर इस वक्त कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत सारी मूवीज के ऊपर काम भी चल रहे हैं, शायद अगले साल और ज्यादा मूवीज ये जो, अब मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि यार एक साथ 11 इस साल, तो ये मुझे नहीं लगता कि 11 जो है उससे पहले ऑलरेडी कुछ मूवीज का मैंने नाम बताया था, इतनी एक साथ इस साल तो नहीं निकालने वाले। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये साल बहुत ज्यादा भारी होने वाला है, हमारे सामने बहुत सारी गेम्स और मूवीज आने वाली है मार्वल की तरफ से। तो देखो यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।